कोरोना वायरस ने शादी पर भी संकट ला दिया है। लॉकडाउन के चलते लोग अपनी शादी की तारीख आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं इसका सबसे ज्यादा असर शादी के कारोबार से जुड़े वेडिंग प्लानर, शादी भवन के मालिकों पर पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद सभी लोग सरकार के लॉकडाउन के फैसले के साथ खड़े दिख रहे हैं। हमारे व्यापार पर तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हम लोगों का जो विवाह और इवेंट वगैरह का जो भी बुकिंग था लगभग सारा कैंसिल हो चुका है, और उम्मीद है कि ये सारा काम नवंबर में जाएगा, और नवंबर में जो हम लोगों का काम है वो भी हम लोगों को करना है, तो दोहरी मार होगी। कोई भी आदमी अपने हिसाब से ही काम कर पाएगा एक दिन में, तो नवंबर और ये सीजन ये हम लोगों के लिए आर्थिक क्षति तो है ही, लेकिन फिर भी सबों से विनम्र निवेदन है कि घर में रहें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। कितना मेरा लगभग 10 काम शादी का कैंसिल हुआ है, जो 14 अप्रैल से शुरू होकर जून तक का था। नुकसान हुआ है, मगर ये फिर मैनेज होगा, बहुत समय है, होते रहेगा। प्रधानमंत्री जो लॉकडाउन का निर्णय लिए हैं, एकदम उचित निर्णय है, यही करना होगा, तभी हम लोग इस लड़ाई को लड़ सकेंगे। क्या मैसेज देंगे कुछ लोग का घर में जो शादी लगन थी? अभी आप आगे टालिए, नवंबर दिसंबर है, उसके बाद भी है। कोई ऐसा थोड़े है कि आज नहीं होगा तो कुम्हारा ही रह जाएगा, सब आगे होगा, देखा जाएगा। मेरा नाम ओम प्रकाश अग्रवाल, मैं कटिहार में मैरिज हॉल चलाता हूँ। वहीं बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री राम प्रकाश महतो के बेटे की शादी 17 अप्रैल को तय हो चुकी थी। शादी के कार्ड छपने से लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन सरकार के फैसले और कोरोना को देखते हुए राम प्रकाश महतो ने शादी की तारीख को आगे बढ़ाते हुए सरकार के इस फैसले को मानने का भी सभी से आग्रह किया है। जी, मेरे बेटे की शादी प्रस्तावित थी, कार्ड वार्ड छप गया था, 17 अप्रैल को शादी थी, लेकिन जब हम पूरा विश्व और पूरा भारत हम लोग परेशान हैं इस वैश्विक महामारी से, तो इस संकट की घड़ी में हम लोग पहले मानव जाति के बचाव की का उपाय करें, पहले डॉक्टर के चिकित्सकों की सलाह और परामर्श मानेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे, फिर उत्सव होता रहेगा। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि नहीं, शादी बाद में होगी, पहले कोरोना से लड़ना है और कोरोना को हराना है, यही हमारा। और लोगों के यहाँ भी जो इस तरह का उत्सव है, हम उनसे भी यही अपील करेंगे कि कोरोना का जब ये अध्याय खत्म होगा तब हम लोग खुले रूप से, तब हम लोग आनंद से प्रसन्नता से पारिवारिक उत्सव मनाएंगे। निश्चित तौर पर लॉकडाउन की वजह से कई कारोबार और देश की आर्थिक नीति पर बड़ा संकट आने की चर्चा हो रही है, मगर समाज का हर तबका जिंदगी की इस जंग को जीतने के लिए सरकार के इस फैसले के साथ खड़ा दिख रहा है। कटिहार से न्यूज के लिए श्याम कुमार की रिपोर्ट।